थोड़ा तेरा जूम हो जाएगा, जूम ऑन हो जाएगा, ऊपर मोबाइल भी तो है। अरे थोड़ा भैया पीछे जाओ, रोल हां रोल ले। इस तरह से रात में भारतीय वायुसेना ने प्रहार किया, इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आप करेंगे? देखिए सारे देश को विश्वास था कि देश का नेतृत्व छप्पर जी के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जिन्होंने गलती की है उनको सजा जरूर मिलेगी और अच्छी तरीके से मिलेगी। उन्होंने उस दिन देश की जनता को वादा किया था कि मैंने तीनों सेना नायकों को कह दिया है कि आपको छूट है, राजनीति की नेतृत्व की नेतृत्व क्षमता का परिणाम। आज हमारे तीनों सेना नायकों ने अपनी नेतृत्व क्षमता का भी बता दिया और सारे विश्व को बता दिया कि भारतीय सेना किसी से कमजोर नहीं है। पाकिस्तान छुप के वार करता है, हम सरेआम करते हैं, बोल के करते हैं और आपके घर में घुस के मार के आते हैं, ये भारत की ताकत है। मैं समझता हूँ सेना को बधाई देना चाहिए, सारे देश को, प्रधानमंत्री जी को बधाई। उनके नेतृत्व में जो शौर्य के साथ भारतीय सेना ने आज भारत का मान बनाया है, बोलकर चेतावनी देकर के हाँ हम इसका बदला लेंगे, 40 की जगह 400 बिछा दिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए, यदि पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया तो पाकिस्तान का नाम कब्रिस्तान हो जाएगा। ये ताकत भारतीय सेना के। भाई साहब आपने कहा हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है, क्या हनुमान जी की सेना निकल पड़ी अब? निश्चित रूप से हनुमान जी का दिन है और हमारे सैनिकों ने मंगलवार को ही चुना और पवन पुत्र है तो पवन के माध्यम से ही हमला किया है, तो ये हनुमान जी का दिन है आज। हनुमान जी की ताकत, उनका आशीर्वाद भारतीय सेना के साथ। जय जय सियाराम। बहुत बढ़िया भैया।